Hi guys, I'm back with a new video. So welcome to my channel Bulls Empire. Guys, आज हम डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक्स के बारे में, बट उससे पहले डिस्क्लेमर है कि ये कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है. अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो खुद की रिसर्च ज़रूर कीजिए या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट ज़रूर कीजिए बिफोर इन्वेस्टिंग. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइज. तो गाइज़, अपना पहला स्टॉक है विधि स्पेशलिटी फूड इन्ग्रीडियंट्स. तो बेसिकली ये जो फूड में मैं आपको इसके फंडामेंटल्स ही दिखा देता हूँ, आप वहाँ से बेटर समझेंगे. तो मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग इन सिंथेटिक फूड कलर्स या फूड कलर्स एंड केमिकल्स. तो गाइस, बेसिकली ये स्मॉल कैप कंपनी है. स्टॉक की जो पी है वो इंडस्ट्री पी से डबल है, थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन पे मिल रहा है. आरओसी आरओई बहुत अच्छे हैं, 28-25, और डेप्ट 71 करोड़ का है, बट रिजर्व अच्छे खासे पड़े हैं कंपनी के पास. डीआईज भी इसमें होल्डिंग रखते हैं एंड एफआईज भी इसमें होल्डिंग रखते हैं, और प्रमोटर्स की अच्छी खासी होल्डिंग है जो कि 64% से ऊपर है. एंड प्लेज परसेंटेज इज नथिंग, और फ्री कैश फ्लो भी जो है कंपनी के पास अच्छा खासा पॉजिटिव में पड़ा है. तो क्वार्टरली रिजल्ट देखें गाइस, तो सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट वो जो थे वो 14 करोड़ थे, लास्ट क्वार्टर में थे 13 करोड़, एंड ईयरली देखें तो ऑलमोस्ट डबल थे प्रीवियस क्वार्टर से, जो प्रीवियस ईयर का क्वार्टर था सितंबर क्वार्टर. और मार्जिन्स भी देखें तो मार्जिन थोड़े डाउन ज़रूर हुए हैं, जैसे कि हर कंपनी के हुए हैं बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन. अब हम इसके ईयरली रिजल्ट देखें तो गाइस, कंपनी इज़ डूइंग वेरी गुड. तो इनके प्रॉफिट्स जो है बढ़ते ही जा रहे हैं, तो ओवरऑल कंपनी जो है वो अच्छी कंपनी है. एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो गाइस, जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो आप देख रहे हैं कांस्टेंट है, और एफआईज ने थोड़ी कम की है होल्डिंग, एंड वहीं डीआईज ने 0.01% से बढ़ाई है, और पब्लिक के पास जो है वो अराउंड 35% की होल्डिंग है. और जो इसकी टोटल इक्विटी है गाइस, वो 5 करोड़ की इक्विटी है इनकी, और ये कांस्टेंट है. 5 करोड़ शेयर्स मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं, और उसमें 35% जो है वो पब्लिक के पास है. तो लेट्स मूव टू द चार्ट गाइस. तो आप यहाँ देख रहे हैं गाइस, इसने एक ये इसकी एक रेजिस्टेंस लेवल था जो कि बनता था 376 का. वहाँ पे इसने कई बार इसको ब्रेक करने की कोशिश की, बट वहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर आ जाता था और ये स्टॉक रिवर्स हो जाता था, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं. तो ये कंसोलिडेशन अराउंड यहाँ से चल रही है अगस्त के महीने से, जैसे ही ये इसको क्रॉस करता है वहाँ से एक सेलिंग आ जाती है. इवन कि ये यहाँ तक भी गया 416 तक, और वहाँ से भी एक सेलिंग आ गई. तो जबकि अच्छे खासे वॉल्यूम थे हर बार, बट ऊपर के लेवल से इसमें एक सप्लाई आ जाती है, तो वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आनी शुरू हो जाती है. अब इसने फिर ये लेवल ब्रेक किया है गाइस. तो अगर तो आप अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो आप CMP पे से बाय कर सकते हैं, और अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं तो गाइस फिर आप वेट कीजिए कि ये अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है 416 को, तो उसके ऊपर आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं. बट फिर आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और यहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस होगा गाइस वो 365 का होगा, तो अराउंड 6% का स्टॉप लॉस होगा. आप उससे छोटा रखना चाहते हैं छोटा भी रख सकते हैं, बट जो सेफ स्टॉप लॉस है वो 365 का है गाइस. और जो पहला टारगेट होगा गाइस वो 420 का होगा, तो यहाँ से अराउंड ऑलमोस्ट 10-11% की मूव ये स्टॉक यहाँ से दे सकता है, अराउंड 10% की मूव. तो 5% का आपका स्टॉप लॉस रहेगा एंड 10% का आपका टारगेट रहेगा. तो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो जो आपका बनेगा गाइस वो बनेगा 1:2 का. तो ये आपका पहला स्टॉक है.
385 पे पोजीशन बनानी है 420 के टारगेट्स के लिए, एंड 365 का स्टॉप लॉस लेके। एंड हमारा जो दूसरा स्टॉक है गाइस, उसमें अपर सर्किट लगा था स्मार्ट लिंक होल्डिंग्स। बेसिकली ये स्मार्ट लिंक नेटवर्क है, बट यहाँ पे ये स्मार्ट लिंक होल्डिंग शो कर रहा है। 143 पे इसमें 20% का अपर सर्किट लगा था, और अब ये अगर खुलता है तो अराउंड, अगर इसका प्रीवियस बिहेवियर देखें गाइस, तो 123 पे अपर सर्किट था, तो 126 पे ये ओपन हुआ, तो 3 रुपये ऊपर ओपन हुआ था। तो अब ये 143 पे इसने सर्किट लगाया, तो ये 146-147 के आसपास ओपन होगा, और वहाँ से इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि ओपन होके ये एक बार थोड़ा ऊपर जाएगा, 4-5 रुपये 6 रुपये ऊपर जाएगा, उसके बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो या तो अगर आपने इंट्राडे करना है तो इसको खुलते ही बाय करके आप इंट्राडे में 1-2% बुक करके निकल सकते हैं, और अगर आपने इसने इसमें पोजीशन बनानी है तो गाइस जो पोजीशन बनाने का जोन रहेगा वो एक्यूमुलेशन जोन होगा। एक सारी क्वांटिटी आपने वन टाइम नहीं बाय करनी, तो जहाँ पे ये खुलता है वहाँ पे आप, लेट्स सपोज आप 100 की क्वांटिटी बाय करना चाहते हैं, तो वहाँ 50% क्वांटिटी बाय कीजिएगा, यानी 145 के आसपास 50% क्वांटिटी, और उसके बाद जैसे इसमें कोई प्रॉफिट बुकिंग आती है तो गाइस आप 135 तक इसे एक्यूमुलेट करेंगे, 135 तक आप इसे एक्यूमुलेट करेंगे, और जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा गाइस वो रहेगा 130 का। तो 130 का स्टॉप लॉस लेके आप 145 से 135 के बीच में अपनी 100% क्वांटिटी को एक्यूमुलेट करेंगे इंस्टॉलमेंट्स में, स्टैगर बाइंग जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो वन टाइम आपने बाय नहीं करना, और इसको डिस्कस करने का रीज़न ये है गाइस, अगर हम इसके लॉन्ग टर्म चार्ट पे चलें तो आप देख रहे हैं ये इसका लॉन्ग टर्म चार्ट है, और ये इसकी, इसने यहाँ पे प्रीवियसली 136 या 137 को टच किया और वहाँ से ये नीचे हो लिया, और फिर इसने यहाँ दो बार कोशिश की अपने प्रीवियस हाई को टच करने की, बट वहीं से एक प्रॉफिट बुकिंग या सेलिंग प्रेशर आ जाता है, सप्लाई आ जाती है। बट इस बार इसने बड़े अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ प्रीवियस जो लाइफ टाइम इसका हाई था उसको ब्रेक किया है। तो गाइज जो मार्केट साइकोलॉजी है वो ये कहती है कि जब कोई स्टॉक अपना लाइफ टाइम हाई ब्रेक करता है, यानी प्रीवियस हाई लाइफ टाइम का ब्रेक करता है, तो वो वहाँ से कम 20-40% ऊपर जाता है, 20-40% ऊपर जाता है, उससे ज़्यादा जा सकता है, वो डबल भी हो सकता है वहाँ से, बट 20-40% तो ये मिनिमम है कि आपको वो वहाँ से रिटर्न दे सकता है। बट हाँ, समटाइम ब्रेकआउट फेल ज़रूर होते हैं, तो अगर फेल होता है तो वही आपका 130 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो एक बार आप निकल जाइएगा, और अगर ये उसके बाद दोबारा एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना के ऊपर जाता है, तो हम इसमें दोबारा 136 के ऊपर या 137 के ऊपर दोबारा एंटर होंगे फिर। तो ये अपनी इसको लेके जो है पॉलिसी रहेगी, 145 से 135 तक एक्यूमुलेशन जोन रहेगा, और 130 का स्टॉप लॉस रहेगा। एंड जो टारगेट्स रहेंगे गाइस, जो पहला टारगेट रहेगा 175 का रहेगा, और जो दूसरा टारगेट रहेगा वो 200 का रहेगा। अगर 175 को ये ब्रेक करता है तो ये 200 तक मतलब आई एम वेरी श्योर अबाउट इट कि ये फिर 200 तक भी जाएगा, बट उसमें टाइम लगेगा। 1 वीक में नहीं होगा 200 का टारगेट, 1 वीक में आपको ये 175 का टारगेट दे सकता है। जैसे कि मैं आपके साथ जो भी स्टॉक डिस्कस करता हूँ वो सिर्फ मैक्सिमम 5 ट्रेडिंग सेशन के लिए होते हैं, उसके बाद चाहे वो डबल हो जाए वहाँ से, मैं फिर उसको नहीं देखता हूँ, ठीक है। आप उसमें एग्जिट करते हैं या आप उसमें बाद में भी और प्रॉफिट बुक करते हैं, पोजीशन होल्ड करते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। बट मेरा जो होता है, क्योंकि मैंने एवरी वीक परफॉर्मेंस रिपोर्ट बना के मैं यूट्यूब पे डालता हूँ कि जो रिकमेंडेशंस मैंने आपको दी थी उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही, तो मैं वो वीकली लेता हूँ 5 ट्रेडिंग सेशन का, कि 5 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ने क्या परफॉर्म किया। और अभी तो शायद हमें 5 ट्रेडिंग सेशन भी ना मिले, बिकॉज इट्स ऑलरेडी 26th 27th को मार्केट ओपन होगी, तो
मेरे ख्याल 31st का हॉलीडे ना हो, 1st of January का तो पक्का ही हॉलीडे है। तो बाकी लेट्स सी गाइस, अभी मैं श्योर नहीं हूँ हॉलीडेज़ के लिए, तो वो तो आप जो NSC का कैलेंडर है वहाँ पे चेक कर सकते हैं। हमें मिनिमम 4 ट्रेडिंग सेशन तो मिलेंगे ही, तो 4 ट्रेडिंग सेशंस में ये 175 तक जाने की गुंजाइश या प्रोबेबिलिटी रखता है। तो ये दो स्टॉक्स है गाइस, इनको वॉच लिस्ट में रखिए मंडे के लिए, एंड होपफुली दिस ईयर वॉज गुड फॉर एवरीबडी एंड द कमिंग ईयर इज गोना बी ऑसम। तो विल सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय फॉर नाउ।